इसको तो बस करीब आने का मौका मिलना चाहिए। बड़े नसीब से मौका मिलता है हमें आपके करीब आने का। क्या क्या कर रही तुम? अब कुछ लगा है, वो हटा रहे थे। पता नहीं कुछ लगा था या ये खुद लगाने जा रही थी। डिस्कस्टिंग। ये वाला हो गया, अब पीछे की बारी। नहीं, हाथ जोड़ू तुम्हारे? हाथ जोड़ता हूं, मुझे प्लीज मेरा काम करने दो। थैंक यू सो मच। जी ये पाना देना। लगता है एकदम फिल्में विल्में नहीं देखते हैं। उका कहते हैं रोमांस, हाँ रोमांटिक तो है ही नहीं। इनका तो लंदन जाना ना बेकार ही हो गया। टॉवल दे दो। जी मैं कर लूंगा। ये लीजिए तौलिया, पसीना पोंछ दीजिए। थैंक यू सिस्टी जी। अब हम कर देते हैं ना? अरे नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। आप एक एक मिनट।
अब अपने दोनों हाथ छाते पे रखना प्लीज। जी ठीक है जी। हमारा तो इस तरफ का ठीक हो गया। हो भी गया? अरे इन्होंने तो अनुराग जी से भी जल्दी कर लिया। हाथ धो लीजिए। हाथ तो धो लीजिए। बस हो गया। क्या कह रही हो गया? अब सारी देखिए हमारा जादू एक ही दिन में कितना असर हो गया। हमें थोड़ा सा झटका का लगा, हमारे मिस्टर तो परेशान ही हो गए हमारे लिए। बस अपने रिश्ते को झटका मत लगने देना। अब आ रही है बाजी हमारे हाथ, कानून की देवी की ना सिट्टी पिट्टी उड़ जाएगी। बस इच्छा पूर्ति मैया इनको हमसे प्यार करवा दो, हम ना 51 किलो लड्डू के साथ हाजिरी लगाएंगे। अगर वाकई में कहीं कोई ऐसी शक्ति है तो प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए। मैं जिंदगी भर के लिए आपका भक्त बन जाऊं। अरे दिखाइए, आपके हाथ में छाले पड़ गए हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। क्या हुआ विशु, दिखाओ तुम्हारा हाथ, दर्द हो रहा है क्या? पहले दवाई लेते हैं उसके बाद चलेंगे, ठीक है? चलो। नहीं भैया ये तो बहुत ही कम है, होता रहता है। पक्का? ठीक। मैकेनिकल कामों में ये बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा हुआ इन्हें ऐसी बुक दी, जल्द ही इनको इनकी काबिलियत का एहसास दिलाऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? रेडिएटर क्रैक हो गया है, सारा पानी नीचे गिर गया। अब क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, कुछ करेंगे, डोंट वरी। भाई साहब यहाँ पे आसपास कोई गैरेज या कोई मैकेनिक मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ मैकेनिक तो कोई नहीं मिलेगा। हमें इच्छा पूर्ति मंदिर जाना है। ये यहीं पे पास ही में है, अब आ गए हो तो दर्शन कर लो। जी शुक्रिया। सुनिए, ये गाड़ी तो बार बार धोखा दे रहा है। वो हमें ऐसा लग रहा है कि इच्छा पूर्ति मैया चाहती कि हम वहां तक ना चल के जाए। हाँ भैया हम आए ना पैदल चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। चलिए चलते हैं। चलो सामान निकालते हैं। हो क्या रहा है आज? आई जस्ट होप कि आगे का दिन अच्छा जाए और कोई नई मुसीबत ना आए। अब ये किस लिए? देख ही रहे कितना धूप है, दोनों लोग ओढ़ लेंगे और का। चलिए ना। पराग भैया भी ना 5 मिनट बोले तो समझिए 50 मिनट हो गया। कहाँ रह गए हैं बताइए?
का भैया इतना देरी? तुम भी तो इतना फोन कर देते हो कि फोन पे एकदम पगला जाता आदमी। अरे भैया बैठे बैठे ना बिल्कुल बरा गए थे, तो क्या करते बताइए। चलिए अब चला जाए। कहाँ चला जाए, कहाँ अंदर बैठ गए और चलिए। अरे तो इतना दूर से हम आए हैं, ये बनारसी का पान नहीं खाएंगे। चलिए फिर आप बैठे रहिए, हम लेके आते हैं ना पान। अच्छा जाओ लेके आओ, हम यहीं खड़े हैं। मुखियाइन का फोन है। आता है, उठाइए ना। हाँ प्रणाम मुखियाइन। लगाइए एक पान लगाइए, सुपारी कच्चा रखना। थोड़ा गुलकंद दीजिए, बिल्कुल महका दे बिल्कुल। ये लीजिए भैया। हाय गजब। चले। हाँ चलिए। द्वान सिंह के बहू और बेटा का आज ही क्रियाक्रम हो जाएगा। अरे हमारा एक बार वार फेल हो गया, लेकिन इस बार हमारा वार फेल नहीं होगा। बस आप हमारा चढ़ावा तैयार रखिएगा। कौन है साला ही? अरे विद्वान सिंह के बेटा और पतों के मारने का बात कर रहा था, रागनी और अनुराग बाबू को। बे अबे ए, इसका जन्म पत्री निकालना है, समझ गए? अरे पराग भैया बैठो, गाड़ी निकालो। सुनिए महाराज आप कहाँ जा? अरे इन सब का पेज तो कभी भी कसा जा सकता है ना। अब पहले वहाँ चलिए जहाँ रागनी दीदी गई है। अरे उनको हमारा जरूरत ना होगा ना। अरे मंदिर गई है ना, इच्छा पूर्ति मंदिर। तुम गाड़ी चलाओ जल्दी। बैठिए। भैया हमें ये जगह ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें इससे भी अच्छी जगह पे लेके आऊंगा, ठीक है? सच्ची सच्ची। जब तक ये कानून की देवी और ये देवी का बकलोल भगत साथ में रहेंगे, तब तक हमारे मिस्टर तो हम पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब कुछ करना पड़ेगा ताकि ये हमारी तरफ ध्यान दे। भाभी अब आप कैसे गिर गई? लाइए हाथ दीजिए। अब नहीं नहीं देवर जी, जब हमारे मिस्टर ही हमें नहीं उठाए तो हम खुद ही उठ जाएंगे। इसे ये भी मालूम नहीं, इसकी फालतू की कोशिशों से बात बनने की बजाय और बिगड़ेगी। कभी हमारे मिस्टर तुम में उलझे रहते हैं और कभी तुम्हारा विसु हमारे मिस्टर को घेरा रहता है। हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा। ससुरा राहु केतु बन गए हो तुम लोग हमारे ऊपर। यहां से आगे जाने के लिए दो रास्ते हैं, पता नहीं पानी किस रास्ते पर मिलेगा। हमें लगता है हम सबको अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। जिसे सबसे पहले पानी मिलेगा वो दूसरे को बता देगा, इससे हम सबका टाइम भी बचेगा। हम लोगों को अलग अलग रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि हम लोग झील के आसपास ही हैं। अरे नहीं नहीं, ये सही कह रही है। दादी हमें बताई थी कि पानी लेने के लिए ना अलग अलग रास्तों पे जाना होगा। हाँ नहीं भाभी, हमें अच्छे से याद है, दादी हमें ऐसा कुछ भी नहीं कही थी। देवर जी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दादी जी हमें अकेले में बताई थी, और ये जो जानकारी है ना ये उसी में से ही है। वो हमसे कही थी कि नाम बंधन शिला से पहले दो रास्ता जाता है, अब इसी में से कोई एक रास्ता झील के पास जाता होगा। क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। हम और विशु उस तरफ जाएंगे झील की तलाश में, और आप लोग दूसरी तरफ। ठीक। हमारे मिस्टर को कानून वाली देवी का बात बहुत ही जल्दी समझ में आता है, और हमारा बात मुसीबत लगता है। अब मुझे समझ आ गया है कि इसे मंदिर वंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसे तो बस मेरे पीछे पड़ना था। आ, 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 आ,
अरे इतना धूप है और एक ही छाता है ना, तो उका कहते हैं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं, मुझे नहीं करना एडजस्ट, और ना ही मुझे तुम्हारे छाता चाहिए। रखो इसे अपने पास। अम्मा कितना जोर से लग गया। एक तो सामान भी हमारे पास कितना है, कितना दर्द हो रहा है। अय अम्मा इतनी जोर से लग गया। हो गया हाथ खाली, चुपचाप उठो और चलो। सृष्टि जी ध्यान से जी, हमें ना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमें छाते की जरूरत नहीं है, हटाइए इसे। ठीक है तो हम भी बंद कर देते हैं, हमें भी नहीं चाहिए। अरे वाह सृष्टि जी, देखिए ना कितना अच्छा नजारा है। सृष्टि जी, अरे सृष्टि जी आप गिर कैसे गई? रुकिए आराम से। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं हम ठीक हैं। चलिए आप मटका लाइए, हम पानी भर के लाते हैं। अरे हम भी आ रहे हैं। नहीं नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप यहीं रुकिए हम भर के आते हैं। ठीक है? अरे लाइए लाइए हम भी आ रहे हैं। नहीं नहीं अब यहीं रुकिए, हम जा रहे हैं और अभी आते हैं। आराम से सृष्टि जी। सृष्टि जी हम मना किए थे ना आपको पानी में नहीं जाना, बीमार पड़ जाओगे। चलिए बाहर आइए, चलिए आइए बाहर। लाइए मटका हमें दीजिए। सृष्टि जी दोनों का यहीं पे किस्सा खत्म कर देते हैं। लेकिन भैया जी घायल तो बोले थे चार लोगों के हुआ। अरे वो लोगों को भी ढूंढ निकालेंगे, पहले इनका टिकट तो काटें। तू वो कानून वाली है ना, ताकि हम जाना था बंदूक वाली को देखें पहले।
क्यों कर रहे हो परेशान हमें? हम तोहार को परेशान करने ना ही आराम दिलाने आए हैं। सुना है बहुत ही कानून झाड़ती हो तुम, अब हम दिखाते हैं तोहार को कि जंगल का कानून का होता है।